गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ। क्लास टेंथ में आज हम वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको बता दें कि आपका जो कोर्स है वो 30% कम कर दिया गया है यूपी बोर्ड के द्वारा। और यह कोर्स जो कम किया गया है, ये यूपी बोर्ड ने कोविड-19 के द्वारा किया है। कोविड-19 जो महामारी चल रही है इस समय किया है। और ये कोर्स केवल आपका 2020 और से 21 जो सेशन चल रहा है उसी के लिए केवल ये कोर्स कम किया गया है। बाकी जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो उसमें ये कोर्स अपना पूरा तरीके से वैसे ही हो जाएगा जैसे है। तो आज हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हमारे में हैं और कौन से चैप्टर हट गए हैं। तो देखिए, जो यूपी बोर्ड है उसने 30% कोर्स कम कर दिया है और ये केवल 2020 और 21 सेशन के लिए है। जो आपका छठा चैप्टर है, ठीक, जिसको हम पहला लिखाते हैं, जो छठा चैप्टर है जय उपक्रम, ये आपका है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक। और जो दूसरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, दूसरा चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया है जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, ये आपका चैप्टर 7 दिया है आपकी किताब में, ठीक। इसको हम आपकी कॉपी में दूसरा चैप्टर लिखाए हैं, ठीक। तो ये चैप्टर आपका हट गया है। आपने जितना भी इसको लिख लिया है, जहां तक लिखा है उसको वहीं पर छोड़ देंगे, ठीक। अब हम इस चैप्टर को नहीं लिखेंगे, ठीक। तो अब जो आपका तीसरा चैप्टर आएगा और किताब के अनुसार जो आपका 8वां चैप्टर है, किताब के में जो आपका 8वां चैप्टर दिया है हम उसको तीसरा करके लिखवाएंगे। तो जो ये 8वां चैप्टर है, अब हम आपका ये 8वां चैप्टर शुरू करेंगे, पौधों एवं जंतुओं में जनन, ये आपका शुरू होगा क्योंकि आपका जैव प्रक्रम पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अब पौधों एवं जंतुओं में जनन कैसे होता है, तो हम ये चैप्टर शुरू करेंगे। फिर उसके बाद पौधों एवं जंतुओं में जनन के बाद हम शुरू करेंगे आनुवंशिकता एवं जैव विकास क्या होता है, ये चैप्टर शुरू होगा। फिर उसके बाद शुरू होगा हमारा पर्यावरण और जो लास्ट चैप्टर होगा प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। तो इस प्रकार से हम आपको ये 5 चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक, ये 5 चैप्टर पढ़ाया जाएगा। और जो ये आपका ये दूसरा चैप्टर था, मतलब जो 7वां चैप्टर है जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण समन्वय, ये आपका चैप्टर कोर्स से हटा दिया गया है केवल इसी साल के लिए, ठीक। अगले साल ये फिर से वैसे हो जाएगा, कोर्स में आ जाएगा, सम्मिलित हो जाएगा। तो अब हमारा जो चैप्टर शुरू होगा वो शुरू होगा पौधों एवं जंतुओं में जनन, ठीक। तो उम्मीद है कि आप सिलेबस को समझ गए होंगे। अगर आप चाहें तो इन चैप्टरों को अपने कॉपी के पहले पेज पर नोट कर सकते हैं ताकि आपको याद बना रहे कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, ठीक। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब सिलेबस होगा तो आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट होगी। आपको अगर यही नहीं पता होगा कि हमें पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है, तो आप जो है अपने जो लक्ष्य है उसको सही से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो अभी ये नोट करिए, अभी हम आपको वीडियो में बता रहे हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको सिलेबस बताया है और अब आपको हम टॉपिक बताएंगे जो तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे आज, क्योंकि जो आपका दूसरा चैप्टर था वो मैंने हटा दिया है क्योंकि वो आपके सिलेबस से हट गया है, ठीक। तो अब हम आज आप जो है तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे। तो चैप्टर का नाम है पौधों एवं जंतुओं में जनन, ठीक। चैप्टर का क्या नाम है, पौधों एवं जंतुओं में जनन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम इसमें इस चैप्टर में यह जानेंगे कि जंतु और पौधों में जनन किन विधियों द्वारा होता है और कैसे होता है, ठीक। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज का टॉपिक है जनन एवं जनन का महत्व। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जनन क्या है और जनन का महत्व क्या है। जैसे जीवधारी जनन करते हैं तो उस जनन क्या होता है और जनन का क्या महत्व है। तो सबसे पहले जनन को इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक। जनन सभी जीवों का अनिवार्य लक्षण है, मतलब जितने भी पृथ्वी पर जीवधारी हैं वो किसी न किसी रूप से जनन जरूर करते हैं क्योंकि उनको अपनी संख्या में वृद्धि करना होता है। चाहे वो कोई भी जगत, चाहे वो कोई भी किंगडम क्यों ना हो, जैसे वायरस हैं तो वो भी वायरस भी अपनी संख्या को बढ़ाते हैं,
ठीक बैक्टीरिया हैं वो भी अपने संख्या को बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी निम्न कोटि और उच्च कोटि के जीवधारी हैं सभी जीव जनन करते हैं। तो जनन सभी जीवों का अनिवार्य लक्षण है। जनन द्वारा जो जीव है, जीव द्वारा अपनी जाति एवं वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। जीवों द्वारा अपनी जाति या वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने की क्रिया को जन कहते हैं। देखिए, जो जीवधारी हैं, ठीक, जो जीवधारी हैं वो अपनी पृथ्वी पर अपनी जीव जाति को बनाए रखने के लिए, अपने वंश को बनाए रखने के लिए, ठीक, बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? जीवों को उत्पन्न करते हैं। ठीक, क्या करते हैं? जीवों को उत्पन्न करते हैं। यही क्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। क्योंकि हम लोगों को पता है कि अगर जीवधारी जनन नहीं करें तो उनकी जीव जाति कुछ समय बाद पूरी तरीके से पृथ्वी पर समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए जो जीव जाति हैं वो जो जीव जाति है वो अपने जाति और वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करते रहते हैं। यही क्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। अब आगे देखते हैं जनन का महत्व, जनन का क्या महत्व है। तो देखिए, जनन द्वारा जीव अपने समान जीवों की संख्या में वृद्धि करते हैं। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य जनन द्वारा अपने जैसे मनुष्यों की जो है संख्या में वृद्धि करता है। कोई भी जीव जाति जैसे बंदर है तो बंदर अपने जैसे जीव जातियों की संख्या की वृद्धि करते हैं। तो जितने भी संसार में जीव जातियां हैं वो सब अपने जीवों की संख्या में वृद्धि करते हैं। तो वही पहला पॉइंट है कि जनन द्वारा जीव अपने समान जीवों की संख्या में वृद्धि करते हैं। दूसरा, अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखते हैं। मतलब जब उनकी संख्या में वृद्धि होगी तो इस पृथ्वी पर उनकी संख्या, उनकी जो निरंतरता है, उनकी जाति जो है वो हमेशा बनी रहेगी। ठीक, तो वही है, अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखते हैं। तीसरा, जनन द्वारा आनुवंशिक लक्षण जीवों से संतानों में वंशागत होते हैं। मतलब जो जनन होता है तो जनन के द्वारा क्या होता है? जो आनुवंशिक लक्षण, जैसे जो हम लोगों के पूर्वज थे उनके लक्षण हमारे लोगों के पेरेंट्स में आए, पेरेंट्स के लक्षण हम लोगों में आए, तो इस प्रकार से जनन द्वारा जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं वो जीवों से संतानों में वंशागत होते हैं। ठीक, जिससे संतान अपने जनकों के समान दिखती है। जैसे मनुष्य है तो वो मनुष्य के समान दिखता है। क्यों? क्योंकि उसमें आनुवंशिक लक्षण मनुष्यों के जैसे ही आए हैं। ठीक, चौथा पॉइंट, जनन द्वारा संतानों में भिन्नताएं आती हैं। हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग हैं वो अपने माता पिता से भिन्न है, थोड़े से भिन्न है, रंग रूप आकार प्रकार शक्ल सूरत में सबकी किसी न किसी प्रकार से हम लोग भिन्न होते हैं। तो जनन द्वारा संतानों में भिन्नताएं आती हैं जो जैव विकास का आधार होती हैं। देखिए, ये विभिन्नताएं जो आती हैं ये धीरे धीरे क्या होता है, ये विभिन्नताएं उसमें छोटी छोटी विभिन्नताओं के रूप में एकत्र होती रहती हैं और आगे चलकर एक नई जीव जाति के रूप में सामने प्रस्तुत होती हैं। तो जैसे हम लोग पहले जानते हैं कि हमारे पूर्वज जो है कैसे रहे होंगे, फिर उसके बाद हम लोगों का आकार प्रकार शरीर कैसा हो गया, तो ये सब क्या है, इसी सब को क्या कहते हैं? जैव विकास। ठीक, तो इस प्रकार से आपने इसमें जनन पढ़ा और जनन का महत्व जाना। तो ये आप इसको नोट करिए और इसको याद करिए। अगर कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट करके पूछिए। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।